नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रॉकी क्लाउड। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम आ गए हैं नारनौल के गांव मुकुंदपुरा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मुकुंदपुरा, जिसमें होने जा रही है क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसका शुभारम्भ आज 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है। पहला मैच रहा टीम नांगलदरगू और ढाणी बाटोटा का, बहुत ही रोमांचक मैच था जिसमें टीम ढाणी बाटोटा की जीत हुई। बाकी के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मुकुंदपुरा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं गांव मुकुंदपुरा का ग्राउंड। मुकुंदपुरा गांव नारनौल से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। गांव के युवाओं द्वारा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से गाँव की टीमों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यह आप सामने देख पा रहे हैं मुकुंदपुरा गाँव के युवा मैदान को साफ सुथरा करते हुए और मैदान के चारों तरफ बाउंड्री रेखा का निर्धारण करते हुए, जहां पर इंडिया का फ्लैग पॉइंट लगाकर झंडा लगाकर सीमा का निर्धारण किया गया। भाई दिलीप द्वारा पेंटिंग का कार्य पूरा, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम किया गया। गांव के सभी युवाओं ने गांव के मैदान को साफ सुथरा बनाने और प्रतियोगिता योग्य बनाने के लिए पूरा योगदान दिया। गाँव के युवाओं ने फुल योगदान दिया, जो उनका योगदान है वो सराहनीय रहा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ग्राउंड बिल्कुल चमचमा रहा था। गांव के सभी युवा एक दर्द होकर होने वाली प्रतियोगिता के लिए प्लान बना रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच वीरेंद्र कोठड़ी आए, जिनका गांव के सभी युवाओं ने, बुजुर्गों ने माला पहनाकर स्वागत किया। उनके साथ में आप देख पा रहे हैं राकेश सर, जो आर्यभट्ट एकेडमी के संचालक रहे, वर्तमान में ये भूषण कला गांव के सरपंच हैं। इनके साथ आदाल इंस्टीट्यूट के कुछ टीचर्स भी आए, जो आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं गांव मुकुंदपुरा के सभी युवा साथी, सभी खेल प्रेमियों और गांव के युवा शक्ति ने मिलकर विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सभी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। यह आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं सरपंच शिवराम जी और उनके साथ गांव के कुछ माननीय लोग। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये गांव के वर्तमान सरपंच महेश देदड़, जो कि वीरेंद्र गोठड़ी जी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। वे महेंद्र शुक्ल आधार इंस्टीट्यूट के गुरु जी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के इस कार्यक्रम के बाद काफिला मैदान की ओर बढ़ा और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बाइकों की कतार लगी हुई थी, युवा शक्ति में पूरा जोश था उनके, और उनके साथ आए अन्य माननीय लोगों की गाड़ियां कतार में बनी हुई थी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं धीरे धीरे काफिला ग्राउंड के पास पहुंचा। हमारे हंसराज गुरुजी द्वारा मंच कार्यक्रम का संचालन किया गया, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सभी सम्मानित लोगों को सम्मान के साथ बैठाया गया और फूलमाला पहनाकर, साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। गांव के युवा लोगों ने वीरेंद्र गोठड़ी जी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सभी युवा साथी जो वीरेंद्र गोठड़ी जी से काफी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये गौ सेवक रहे हैं और युवा शक्ति के साथ इनका काफ़ी लगाव और जुड़ाव रहा है। सभी युवा शक्ति, सभी गांव के लोगों को, ये गांव भूषण कला के सरपंच हैं, जो कि आर्यभट्ट एकेडमी के डायरेक्टर भी रहे हैं, राकेश कुमार यादव।
उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए महेश देदर मुकुंदपुरा के सरपंच, युवा सरपंच हैं, इन्हीं के साथ अन्य युवा साथी। इनके बाद रवि यादव जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनका गांव के युवा शक्ति महेंद्र के द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद आदाद इंस्टीट्यूट के टीचर सुनील यादव जी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद युवा दिलों की धड़कन ललित राजपूत सर, उनका गांव के युवाओं द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, जैसा कि आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं। गांव की युवा शक्ति ने तथा गांव के सभी माननीय लोगों ने मुख्य अतिथि जी को साफा पहनाकर उनका अभिवादन किया। वीरेंद्र गोठड़ी जी जो कि सरपंच हैं ग्राम कोठड़ी के सभी। इसके बाद राकेश गुरु जी के दो वर्ड। इन 12 सालों में जितना मान सम्मान मुकंदपुरा टहला के कहराव से मिला है, मैं सच कहने जा रहा हूँ कहीं से नहीं मिला होगा। सबसे ज्यादा सम्मान मिला इस गांव से, और इस गांव के लिए जितना मेरे से हुआ है मैंने इन युवाओं का सहयोग किया है, साथ दिया है, और बहुत ज्यादा युवा इस गांव से पढ़ के और सरकारी जॉब में लग रहे हैं। स्वागत कार्य कंप्लीट होने के बाद सभी ग्रामवासी मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि तथा गांव के अन्य माननीय लोगों के साथ पिच पर पहुंचकर रिबन कटिंग का कार्य समाप्त किया, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। सभी उत्साह से भरे हुए थे। पहला मैच रहा टीम डानी पाठोठा और नांगल दरगू का। ये टीम डानी पाठोठा के कैप्टन और अन्य खिलाड़ी जो काफ़ी उत्साह से भरे हुए थे, मुख्य अतिथि जी से वार्तालाप करते हुए। उनके साथ में है प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुरा के तथा गांव के सभी युवा शक्ति। ये कमेटी मेंबर्स जिनके द्वारा प्रतियोगिता संचालित की जा रही है, भाई कविंदर, भाई मनोज, भाई दलीप, उनके पीछे मोनू तथा गांव के अन्य युवा साथी। ये हैं नांगल दरगू टीम के खिलाड़ी। प्रधानाचार्य जी से काफी लगाव रहा, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद टॉस का कार्य हुआ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉस कौन है नांगल दरगू टीम ने जीता। पहले फील्डिंग से फील्डिंग फर्स्ट। चलो ये आप एक काम करो, आप तो उधर खड़े हो, उसके बाद श्रृंखला गांव के सरपंच ने बॉलिंग करके, वीरेंद्र गोठड़ी ने बैटिंग करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जो काफी रोमांचक रहा। पहला मैच टीम ढाणी पाठोठा ने जीता, और ये भाई सुधीर टीम ढाणी पाठोठा से मैन ऑफ द मैच रहे। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।